झाझा सोनू रेलवे कार्य की शुरुआत को लेकर भूमि की सत्यापन के लिए पहुंचे कर्मी। बता दें कि वर्तमान सांसद माननीय चिराग पासवान द्वारा 2020 में अपने संसदीय क्षेत्र को रेलवे को सौगात देने का जो वादा किया था वह अब क्षेत्र में कार्य दिखने लगा है। भूमि उपलब्धता को लेकर गांव-गांव तक जाकर संरक्षण कर रहे हैं जिसे कि जल्द से जल्द रेलवे कार्य तीव्र गति से किया जा सके। झाझा से बतिया तक 22 किलोमीटर बनाई जाने वाली योजना की भूमि सत्यापन का कार्य सेक्शन इंजीनियर संजीव कुमार और अंचल अमीन मेघा रानी द्वारा डोडरी पैरा मटिहाना दहियारी में जोर शोर से किया जा रहा है जिससे रेलवे की सौगात जल्द से जल्द क्षेत्रवासियों को मिल सके। मौके पर उपस्थित दर्जनों किसानों ने बताया कि वर्षों से ट्रेन आने का इंतजार हम सभी कर रहे हैं। यहां से चलने वाली रेल का आवागमन हो जाए तो आने जाने की परेशानियों से बच जाएंगे। यह योजना 532,000 करोड़ की लागत से बनने वाली है। यह कार्य अक्टूबर तक धरातल पर दिखने लगेगी। कौन सा पंचायत है? पैरा मटिहाना। आपके गांव में आपके घर के बगल में रेलवे लाइन बिछने वाली है, इसमें आपको क्या कहना है? यही कहना है कि हमारे गांव का थोड़ा अच्छा से हॉल ये सब बन जाए और जमीन का मुआवजा थोड़ा अच्छा से मिले ताकि गांव वाले सभी खुशहाल रहे। अच्छा, क्या रेलवे लाइन बिछने से आप लोग खुशी है? खुशी है, खुशी है। मुआवजा भी चाहिए, अच्छा मुआवजा दे ताकि आम पब्लिक को अच्छा हो। तो आप लोग सुरक्षा से देना चाह रहे हैं जमीन? सुरक्षा से कोई भी जमीन देना नहीं चाहता है। तो अगर सही मिलेगा तभी देना चाहेगा, ऐसे जो जमीन कोई सुरक्षा नहीं देना चाहता है। अच्छा ठीक। आपका क्या काम सर? अमीन है, कहाँ से हैं आप सर? आप यहाँ पे क्या चीज के लिए? रेलवे लाइन बिछाने इसी ले आए थे। कहाँ तक कहाँ है सर सर्वेक्षण? अभी तक कितना किलोमीटर किया है? 18 किलोमीटर। अच्छा 18 किलोमीटर। देखिए अभी साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम क्या हुआ? सुभाष कुमार। कहाँ घर हुआ? पैरा मटिहाना। आपके गांव में रेलवे लाइन बिछने वाली है और सर्वे काम भी हो रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया बात है, लोगों को सुविधा मिलेगी। ये किन के माध्यम से काम हो रहा है पता आप लोग को? नदी तो पता ना है। नहीं पता है, कुछ बताइए तब ना, हम तो नहीं जान रहे हैं। ये जम्मू के सांसद चिराग पासवान महोदय द्वारा ये कार्य प्रारंभ किया गया है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या आपके गांव में जमीन जो जाएगी आपका, क्या आप लोग सुरक्षा देना चाहेंगे? आप लोग सभी लोग देना चाहेंगे। जी आपका नाम? नीलो कुमार। कहाँ घर हुआ? नैयाडी। आपके गाँव में अभी सर्वे चल रहा है जी जी। रेलवे लाइन के लिए किन के माध्यम से हो रहा है? ये सांसद महोदय चिराग पासवान के माध्यम से किया जा रहा है, जो पिछले बार भी घोषणा किए थे ना 2020 योजना है। हाँ, क्या कहेंगे इसके लिए आप? ये रेलवे लाइन अगर जैसे क्रॉस पास होती है तो हम लोगों के लिए यहाँ पे जो भी क्षेत्रवासी हैं उनके लिए सफर करने में काफी है ना आसान होगी, आसान होगा, कठिन सामना जो करना पड़ा लोगों को नहीं होगा। होता है कि सवारी गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, ट्रेन हो जाने से लोगों को आने जाने में काफी मतलब सहूलियत है ना लोगों को होगा। और हम लोगों को बेहद खुशी है कि हम लोगों का गाँव होते हुए ट्रेन जाएगी, गुजरेगी। हाँ, क्योंकि हम लोग को यहाँ से 10-12 किलोमीटर जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए। अब हम घर से निकलेंगे और ट्रेन बैठ जाएंगे और स्टेशन पर चल जाएंगे, तो बहुत अच्छी है पहल सरकार का और हम लोग को बहुत खुशी है। और हम लोग का भी इसमें जमीन भी जा रहा है बहुत सारा लोगों का, वो अपना अपना सब ये कर रहे हैं जो प्रोसेस सरकार का है कि नहीं वो चीज़ में। सांसद मोदी क्या कहेंगे आप? उनके लिए कहेंगे कि जनता के लिए काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं है ना, रेलवे लाइन इधर पास करके, और हम लोगों का सपोर्ट हमेशा उनको देते हैं और देते रहेंगे। धन्यवाद जी। आपका नाम? मेघा रानी। कहाँ से हैं आप? अभी तो हम अंचल में हैं। अच्छा, क्या आपका कार्य है? अभी मेरा काम है जमीन का सत्यापन करना। तो कहाँ पे अभी हैं? अभी सोनू में। कौन सा पंचायत? अभी पंचायत मेरा नहीं हुआ है, अभी हम नए अभी आए हुए हैं सोनू ब्लॉक। आपका पोस्ट नेम? अंचल अमीन। अच्छा, अभी जो सर्वे चल रहा है जमीन के, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस अभी रेलवे का काम के लिए भी काम अच्छे से चल रहा है। क्या ग्रामीण सब सुरक्षा से जमीन दे रहे हैं आप लोग को, दिखा रहे हैं? बस ग्रामीण लोगों को अच्छे से मुआवजा दे रहे रेलवे वाले, और कुछ नहीं। तो आप भी मतलब मुआवजा देने के फेरा में हैं? हम देने के फेरा में, हम चाहते कि सरकार उन लोग को भरपाई कर दे। अच्छा, जिनका जिनका जमीन ले, ग्रामीण या सपोर्ट आप लोग को मिल रही है? हाँ, सपोर्ट सारे ग्रामीण कर, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, लोगों का आस है कि इस क्षेत्र में लाइन, सब रेलवे लाइन आने चाहिए। ठीक है मैडम। की नाम? जागेश्वर मंडल। कहाँ घर हो ले? कतरिया।
आपके गांव तरफ रेलवे लाइन बिछने वाली है, क्या आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? लग रहा ठीक लग रहा है, पैसेंजर ठीक है यार, क्या होगा? आखिर रेल जब आएगी तो आप लोगों को बढ़िया लगेगा ना आवागमन के लिए? लेकिन जमीन जा रहा है, जमीन जा रहा है, क्या सुरक्षा देना चाह रहे हैं आप लोग? सुरक्षा क्या तो कुछ देना होगा, सुरक्षा क्या देंगे? क्या आप लोग को कुछ चाहिए भी? क्या चाहिए? अच्छा जमीन का मुआवजा चाहिए आप लोग को? अच्छा ये किनके द्वारा बिछ रहा पता है? तो रेलवे लाइन जो बिछ रही है झाझा से बटिया तक, किसके माध्यम से आया पता है? चिराग पासवान। चिराग पासवान कौन है यहाँ का? मंत्री जी है, सांसद है। क्या लग रहा है आप लोग को, अच्छा लग रहा है आपके गांव में ट्रेन आएगी तो? अच्छा लग रहा है, लेकिन जमीन जा रहा है सर, तो उसका मिलना चाहिए हम लोग, मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं तो पैसा देना तो दूसरी जगह खरीदा। अच्छा अच्छा, क्या आप लोग सुरक्षा से जमीन देना चाहते हैं? देने की तो जब लेगा सरकार का तो जमीन है, हम लोग तो पब्लिक खाने कमाने वाला है, वही उसी का हाथ में सब है, वो दे वो अगर जमीन हमको अगर देगा तो दूसरी जगह लेंगे, और नहीं देगा तो कैसे हम। लेकिन आप लोग को मुआवजा चाहिए? नहीं